तो गेम के अंदर काफी सारे प्लेइंग स्टाइल है, बट जो फ्री स्टाइल है वो सबसे ज्यादा अलग है और सबसे ज्यादा यूनिक। फ्री स्टाइल गेम प्ले के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो कि बाकी गेम से बिल्कुल अलग है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वन टैप गेम प्ले में और फ्री स्टाइल गेम प्ले में फर्क होता है। वन टैप वाला गेम प्ले अलग होता है और फ्री स्टाइल वाला अलग होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फ्री स्टाइल गेम प्ले कैसे किया जाता है और आप फ्री स्टाइल गेम प्ले कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो के ऊपर हम लाइक एम करते हैं 399 का। चलो फिर वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्री स्टाइल गेम प्ले मतलब कि बिल्कुल फ्री होके खेलना, खुल के खेलना। यूट्यूब पे आपने जितने भी फ्री स्टाइल वाले प्लेयर्स हैं इनका गेम प्ले देखा होगा, जब ये 1v1 का फाइट करते हैं किसी के साथ तो आपने देखा होगा कि ये दोनों खुल के खेलते हैं बाहर आके। और 4v4 में भी आपने देखा होगा कि जो सामने वाले एनिमीज होते हैं वो ऐसे खुले में भाग रहे होते हैं और ये उनको वन टैप मार देते हैं, कई बार इनको भी लगता है। फ्री स्टाइल का मतलब यही होता है कि बिल्कुल खुल के खेलना है, रिलैक्स हो। बाहर के जितने भी प्लेयर्स हैं अदर कंट्रीज के वो सारे फ्री स्टाइल ही खेलते हैं, उनकी अपने मॉन्टेज वाली वीडियोस में देखा होगा। हमारे सर्वर में फ्रीस्टाइल खेलने वाले काफी सारे प्लेयर्स हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि वो फ्रीस्टाइल खेलते हैं बट वो प्रॉपर फ्रीस्टाइल नहीं खेलते हैं। काफी सारे प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि उनको फ्रीस्टाइल खेलने आता है, बट सच बात तो ये है कि उनको फ्रीस्टाइल खेलने नहीं आता। और एक और बात कि अगर आपको फ्रीस्टाइल खेलने आता है और जिसके साथ आप खेल रहे हो उस बंदे को फ्रीस्टाइल खेलने नहीं आता है, फिर आप फ्रीस्टाइल गेम प्ले नहीं कर पाओगे। मैं आपको रूल्स के बारे में बता देता हूँ कि फ्रीस्टाइल गेम प्ले के क्या क्या रूल्स होते हैं और आपने खेलते टाइम इनको फॉलो। रूल नंबर 1 की फ्री स्टाइल गेम प्ले में जीत और हार को साइड कर दिया जाता है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को चैलेंज करते हो कि आओ देखते हैं कि कौन जीतता है तो ये अलग बात है, बट फ्री स्टाइल गेम प्ले ऐसे फ्रेंडली ही होता है, ऐसे मजे के लिए और एंजॉय के लिए फ्री स्टाइल खेला जाता है, जीतने हारने के लिए नहीं खेला जाता। सेकंड रूल है कि फ्री स्टाइल गेम प्ले में होल्ड गेम प्ले नहीं होता है, रुक रुक के खेलना मना है और जॉयस्टिक का यूज करना भी मना है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो रुकना मना है, आपने मूवमेंट के अंदर खेलना है और बाहर आके खेलना है, ग्लू वॉल के पीछे छिपके नहीं रहना है। फायर करो, ग्लू वॉल लगाओ, अगर नहीं लगानी है तो वेपन स्विच करो, रिलोड करो, कुछ भी करो बट मूवमेंट में, मतलब कि आपने एडवांटेज नहीं लेना है। अगर आप होल्ड करके खेलोगे सामने वाला एनिमी सीधा वॉल से बाहर निकलेगा, आप उसे इजीली वन टाइम मार सकते हो, या फिर आप जॉयस्टिक को पकड़ के खेलोगे तो आप तब भी अपने एनिमी को इजीली वन टाइम मार सकते हो। ये काम फ्री स्टाइल गेम प्ले में नहीं किए जाते। और कुछ प्लेयर्स ये बोल सकते हैं कि काफी सारे फ्री स्टाइल प्लेयर्स जॉयस्टिक का यूज करते हैं, बट उनका जॉयस्टिक को यूज करने का तरीका काफी ज्यादा अलग होता है। मेरे कस्टम हुड में आपको जॉयस्टिक वाला बटन देखने को नहीं मिलेगा और जो मेरा कस्टम हुड है इसमें जो ये जंप बटन है इसके चलते मैं जॉयस्टिक को अच्छे से टच नहीं कर पाता हूं। कस्टम हुड मैंने यही सोच के बनाया था कि मुझे फ्री स्टाइल तो खेलना है तो जॉयस्टिक का कोई भी यूज नहीं है, इसलिए मैंने जॉयस्टिक को साइड कर दिया। थर्ड रूल है कि आपने डर डर के नहीं खेलना है। जैसे बाकी कस्टम्स के अंदर होता है कि डर डर के खेलते हैं बंदे, ग्लू वॉल से बाहर नहीं निकलते हैं कि कहीं मुझे एनिमी वन टाइम ना मार पाए। फ्री स्टाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है, बाहर आके खेलो क्योंकि सामने वाला एनिमी भी वैसे ही खेलेगा। जैसे आपने उसे हेडशॉट मारने के लिए कोई भी एडवांटेज नहीं लेना है, वैसे वो भी आपको हेडशॉट मारने के लिए कोई भी एडवांटेज नहीं लेगा। मूवमेंट के अंदर आप दोनों ने खेलना है और मूवमेंट के अंदर ही आपका हेडशॉट लगे। फोर्थ जो रूल है वो काफी ज्यादा अच्छा रूल है, फ्री स्टाइल का जो गेम प्ले होता है इससे नेगेटिविटी नहीं फैलती है, लव और रिस्पेक्ट का गेम होता है। जैसे बाकी कस्टम्स में क्या होता है कि अगर कोई प्लेयर हार जाता है तो उसे सीधा नूब बोला जाता है या फिर उसे गालियां दी जाती है। ये काम गाइस आपने कभी भी नहीं करना है। आप किसी भी स्टाइल के साथ खेलो, जैसे मर्जी खेलो, स्पैम खेलो या फिर वन टैप खेलो, अगर कोई आपसे हार जाता है आपने उसे ना तो नूब बोलना है और ना ही उल्टा सीधा। फ्री स्टाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें राउंड्स को नहीं देखा जाता है, खेलने में मजा आना चाहिए, राउंड्स को कोई भी नहीं देखा। और फ्री स्टाइल गेम प्ले की काफी सारी ट्रिक्स भी हैं, उनका यूज आपने तब करना है जब आप फ्री स्टाइल खेलना सीख जाओगे। पहले आप खेलना सीख लो अच्छे से, उसके बाद आपने फ्री स्टाइल की जो मूव्स होती हैं उनको धीरे धीरे यूज करना शुरू करो। अभी गाइस मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ फ्री स्टाइल के मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए इन गेम के अंदर ये कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हार जीत को साइड कर दिया जाता है, जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। तो इसका आप एग्जांपल ये देखो कि जो भी फ्री स्टाइल वाले प्लेयर्स होते हैं अगर वो 1v1 के लिए 2v2 3v3 उसमें वो सेल्फ रिवाइव को ऑन रख के खेलते हैं, इससे ये बात क्लियर होती है कि वो प्लेयर्स एंजॉय करने के लिए खेलते हैं ना कि जीतने। और किसी भी टाइप का एडवांटेज नहीं लिया जाता है, इसका भी आप ये एग्जांपल देखो। यहाँ पे मैं अपने एनिमी के ऊपर फायर कर सकता था, इसको हेडशॉट मार सकता था बट मैंने नहीं मारा क्योंकि एनिमी इस वक्त रेडी नहीं था। और यहाँ पे मैं एकदम से रुक गया बट एनिमी ने मुझे हेडशॉट नहीं मारा, वो मेरे आसपास भागने लग पड़ा बट उसने कोई भी एडवांटेज नहीं। और लव एंड रिस्पेक्ट का आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं रिपेयर किट लगा रहा था और एनिमी ने गलती से मेरे ऊपर फायर कर दिया और उसके बाद वो मेरे पास आया और उठक बैठक किया, मतलब कि ये सॉरी हुआ एक टाइप का। और यहाँ पे मैंने एनिमी को वन टाइम मारा बट एनिमी के साथ मिस टच हो गया था, इस कंडीशन में हम फायर नहीं करते हैं बट कई बार फ्लो फ्लो में हो जाता है। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, जब मैंने एनिमी के ऊपर फायर किया फ्लो फ्लो में तो एनिमी एक ही जगह पे खड़ा था, तो मैं इसके पास गया और मैंने इसके पास जाके सेटअप किया। मतलब कि फ्री स्टाइल में किसी को हराने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं खेला जाता है, मजे का गेम है, मजे के साथ खेलो और बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको ये प्लेइंग स्टाइल अच्छा नहीं लगा तो मत खेलो। तो बस फिर गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।